गुड मॉर्निंग छाया जी, टॉपिक क्या चल रहा था जरा हमको बताएंगे। फाइन फाइन दीपक जी, कौन सी परेशानी है भाई? विवेक जी, विवेक जी देखिए, सिलेक्शन में मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? सबका सिलेबस सेम होता है, सबके लिए क्वेश्चन सेम होते हैं, सबके लिए आंसर देने का क्राइटेरिया भी सेम होता है, ठीक है? अब इंग्लिश मीडियम वाले एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं, ये दिमाग भ्रम से अपने निकाल दीजिए, दिमाग से अपना ये जो भ्रम है वो निकाल दीजिए। कोई इंग्लिश मीडियम वाले आपसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते, ठीक है? टैलेंट की पहचान जो होती है वो मीडियम से नहीं होती, आपके नॉलेज से होती है। जाहिर सी बात है, अगर आप अच्छा लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स को बोला जाता है, जो अम्बिकल कॉर्ड होता है ना, अम्बिकल कॉर्ड को ही कॉर्ड ब्लड सिस्टम बोला जाता है। स्टेम सेल से मैंने बताया था आपको, कार्ड ब्लड बैंकिंग, ठीक है? तो मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अगर आपका नॉलेज है, लिखने की कैपेसिटी है, और अगर आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। ऐसी कोई बात नहीं है, टैलेंट की कोई परिभाषा नहीं होती, ठीक है ना? और टैलेंट नाम का कोई चीज नहीं होता, ये भी जान जाइए, ठीक है? मेरी नजर में टैलेंट नाम का कोई भी चीज नहीं होता है, जो होती है वो आपकी मेहनत होती है। आप मेहनत करोगे, टैलेंट झक मार के आएगा, ठीक है? जो भी चीज है वो सिर्फ आपकी मेहनत पे है, मेहनत करोगे टैलेंट धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। ये कहोगे कि टैलेंट बाय बर्थ होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक? बस देखो फर्क, थोड़ा सा डिफरेंस यही होता है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, एक्चुअली वो उनका एजुकेशन सिस्टम ही शुरू से वैसा ही होता है, एनसीईआरटी और आईसीएसई अपना वो पढ़ते रहते हैं, फिर उसके बाद वो आते हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन में, तो अगेन फिर वही एनसीईआरटी पढ़ते हैं। अब हिंदी मीडियम की सोच थोड़ी सी ये हो जाती है कि इस पतली सी किताब में क्या है, कुछ नहीं है, तो उस पतली की किताब के चक्कर में क्या करते हैं, मोटी मोटी बड़ी बड़ी किताबें खरीद लेते हैं, और उनको लगता है कि इसी किताब को पढ़ेंगे तो, अब जो बड़ी मोटी किताबें आप खरीदते हो तो उसके फ्रंट पेज पे देखो क्या लिखा रहता है, एनसीईआरटी के आधार पर, ठीक? बस वही होता है, सेम वही अंतर होता है कि आप एक आपका भगवत गीता है और दूसरे अड़गड़ानंद बाबा की भगवत गीता है, कोई अंतर नहीं, ठीक है? एनसीईआरटी को अगर आप अच्छे से तैयार करोगे, बेस अगर आपका अच्छे से होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छा होगा, तो रिटन कैपेसिटी वैसे ही डेवलप हो जाएगी, ठीक है? और उसको डेवलप करने के लिए सबसे अच्छा आपका माध्यम होता है न्यूज़पेपर, ठीक है? हाँ, मैंने मेल देखा था, अब मैं बता दूंगा आपको दवा।
आपने शुगर शायद शुगर की दवा पूछी थी, लेकिन विवेक भाई पहले बताओ तो उनका फास्टिंग और नॉन फास्टिंग कितना है, उसके अनुसार दवा दी जाएगी ना। ऐसा थोड़ी कि बस आपने कह दिया और हमने दवा बता दिया। हाँ चलिए ठीक है, बाकी बाद में बात होगी। टॉपिक है आपका सैटेलाइट नेविगेशन, ठीक है? तो सैटेलाइट इमेज क्लियर आ रही है कि नहीं? मुझे तो ब्लड दिख रहा है। सैटेलाइट नेविगेशन, इसका मतलब होता है नौवहन, मतलब रास्ता खोजना, सैटेलाइट नेविगेशन का मतलब नौवहन, और नौवहन का मतलब होता है रास्ता खोजना। इसको हम पोजिशनिंग भी बोलते हैं या इसको हम अवस्थापन भी बोलते हैं। पोजिशनिंग या इसको हम बोलते हैं अवस्थापन, ठीक है? नेविगेशन को, अब इस नेविगेशन को, नेविगेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्या? अब दिखने लगा, साफ दिख रहा है ना? पहली इसमें चीज हम पढ़ेंगे इसकी संकल्पना, यानी कि कॉन्सेप्ट, नेविगेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है? फिर दूसरा पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे इसकी संरचना क्या होती है, ठीक? यानी इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वगैरह। फिर तीसरा टाइप है इसमें प्रकार, नेविगेशन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? फिर चौथा टाइप है आपका प्रमुख नौवहन प्रणाली, ठीक? और उसके बाद आपको इसमें फिफ्थ पॉइंट पढ़ना है, IRNSS, एवं आपको पढ़ना है GA, मोस्टली आपको पढ़ना है IRNSS, ठीक है? ये है हमारा पूरा नेविगेशन सिस्टम। तो चलिए पहले देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है? सैटेलाइट नेविगेशन, सैटेलाइट नेविगेशन का मतलब होता है पोजिशनिंग,
यानी कि अवस्थापन। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है, अगर हम इसके कॉन्सेप्ट पे जाएं, तो कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु अगर नेविगेशन की हम परिभाषा देखें, तो जैसे आप जियोग्राफी पढ़े होंगे, ये हमारी पृथ्वी है, पोजिशनिंग का मतलब होता है अवस्थापन, आपकी स्थिति, ठीक है। तो आपकी पृथ्वी का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दो होता है, एक तरीके से आपका अक्षांशीय स्थिति और दूसरा होता है देशांतरीय स्थिति, ये तो पता ही आपको, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल। और एक और स्थिति होती है जिसको हम बोलते हैं उच्चावचीय स्थिति, एल्टीट्यूड, ठीक है, ऊंचाई। तो नेविगेशन का सिंपल सा अगर हम उदाहरण देखें, तो किसी पिंड या वस्तु या व्यक्ति, ठीक है, अभी डेफिनेशन में चलना है, किसी पिंड वस्तु या व्यक्ति की अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रहों की सहायता से उसकी, ठीक है, किसी वस्तु किसी व्यक्ति या किसी पिंड की अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रहों की सहायता से उसकी लैटिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल और एल्टीट्यूडिनल, ठीक है, लैटिट्यूडनल को हम बोलते हैं अक्षांशीय, देशांतरीय, लॉन्गिट्यूडनल और एल्टीट्यूडनल को क्या बोलते हैं, उच्चावची, ठीक है। किसी वस्तु पिंड या व्यक्ति की अंतरिक्ष में उपस्थित कर लीजिए तो अच्छा है, अंतरिक्ष में उपस्थित कृत्रिम उपग्रहों की सहायता से उसकी लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल और एल्टीट्यूडनल स्थिति का निर्धारण की स्थिति का निर्धारण जब स्थानीय समय संगतता के साथ किया जाता है, तो वह अवस्था नौवहन कहलाती है। यानी कि किसी पिंड किसी वस्तु या व्यक्ति की अंतरिक्ष में उपस्थित कृत्रिम उपग्रहों की सहायता से
उसकी, ठीक है ना, अगर हम कहें कि उसकी अक्षांशीय स्थिति या उसकी देशांतरीय स्थिति या उसकी उच्चावचीय स्थिति, यानी इन तीनों स्थितियों का निर्धारण जब स्थानीय समय संगतता के साथ किया जाता है तो वही अवस्था क्या कहलाती है, नौवहन कहलाती है। सिंपल सा इसका डिफिनिशन, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया, कॉन्सेप्ट, ठीक। अब देखिए, जो इसमें टेक्नोलॉजी कार्य करती है, नेविगेशन सिस्टम में जो चीजें कार्य करती हैं, ठीक है, उसके बारे में बस नाम जानिए आप, उसके मैकेनिज्म के बारे में नहीं जानना है आपको। कॉन्सेप्ट यह है सोनम जी कि किसी भी वस्तु, पिंड या किसी व्यक्ति की अंतरिक्ष में उपस्थित संगतता का मतलब होता है सनी जी कि समय के साथ अटैचमेंट, ठीक है। नहीं, डिलीट कहां नहीं किए भाई, यानी किसी पिंड वस्तु या व्यक्ति की अंतरिक्ष में उपस्थित कृत्रिम उपग्रहों की सहायता से उसकी अक्षांशीय स्थिति, उसकी देशांतरीय स्थिति और उसकी उच्चावचीय स्थिति, यानी आप ऐसे कह दो उसकी लंबाई चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, स्थिति का निर्धारण जब स्थानीय समय संगतता के साथ किया जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है नौवहन, ठीक है। अब इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट आपका काम करता है, ये तो हमारा डिफिनेशन हो गया ना, जो नौवहन प्रणाली में कॉन्सेप्ट जो वर्क करता है डेल्ट एच आठ, मतलब नहीं समझे, ठीक, वह नौवहन प्रणाली में जो कॉन्सेप्ट कार्य करता है उसको हम बोलते हैं ट्राई लिटरेशन। ट्राई लिटरेशन का कॉन्टेक्स, ट्राई TRILATERATIO है, चलिए। अब जो आपका मेन कॉन्सेप्ट है नेविगेशन सिस्टम का वो है ट्राई लिटरेशन, यानी ट्राई लिटरेशन के तहत हम क्या करते हैं कि किसी भी वस्तु की दूरी का पता लगाते हैं। यही कॉन्सेप्ट है, बस आपको इतना जानना है, ठीक है, कि एक कॉन्सेप्ट होता है ट्राई लिटरेशन का जो क्या करता है, किसी भी वस्तु की दूरी का पता लगाता है। याद रखिएगा, एंगल का नहीं पता लगाता है, सिर्फ क्या पता लगाता है, दूरी का पता लगाता है, ठीक है, ठीक है, कंफर्म। तो बस आप अपने दिमाग में रखिएगा ट्राई लिटरेशन, बाकी इसके कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है, बस नेविगेशन। अगर मान लो कभी पूछ दिया कि नौवहन प्रणाली कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है तो किस पे कार्य करती है, ट्राई लिटरेशन के कॉन्सेप्ट पर कार्य करती है। देखिए कैसे, अब ये कॉन्सेप्ट कार्य कैसे करता है,
थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। मान लीजिए आप कहीं पे हैं और आपको ये पता लगाना है, ठीक है, नहीं ट्रायल इटरेशन कोई मशीन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, एक सिद्धांत है, ठीक है। हाँ, तो अब आप देखिए, मान लीजिए कि आप अपने मोबाइल से किसी भी स्थिति का पता लगाते हैं, ठीक है। तो अभी गुजरात में जो बना था, क्या नाम है उसका, स्टेचू ऑफ यूनिटी है, तो आपको यह पता लगाना है कि उसकी स्थिति क्या है, ठीक है। तो आपका जो मोबाइल है, आप ये पिन पॉइंट है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि जब आप स्थिति का पता लगाएंगे तो एक उपग्रह से आपके मोबाइल पे मैसेज भेजा जाएगा, जैसे आप नेट पे सर्च करते हैं। तो जनरली ट्रायल इटरेशन में क्या होता है कि हम 3 सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं, एक मैंने यहां बना दिया, एक सैटेलाइट मैंने यहां बना दिया और एक सैटेलाइट हमने यहां बना दिया। ये सैटेलाइट आपसे कहां है, कितनी दूर है, इससे मतलब नहीं, ठीक है। आपको पता लगाना है कि स्टेचू ऑफ यूनिटी कितनी दूर है। तो सैटेलाइट क्या करेगा, इस सैटेलाइट से आपके पिन पॉइंट पे एक मैसेज जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाएगी। अब आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय, यही होगा। तो जो तरंगे हैं जो आ रही हैं उसको तो पता है आपको, लाइट की वेलोसिटी से आ रही हैं, कितने समय में आपके पास पहुंची तो दूरी का अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। तो जो पहली सैटेलाइट आपके पास मैसेज भेजती है, इस सैटेलाइट को हम यहां बनाने तो और अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, ठीक है, अब बीच में मैसेज मत करना, नहीं मेरा रिदम टूट जाएगा। अब पहली सैटेलाइट से जब आपके इस पिन पॉइंट पर मैसेज आता है, ठीक है, तो अब इसको ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है आपका, नहीं पता आपको कितना डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मानते हुए हम क्या करते हैं, एक सर्किल खींच देते हैं, ठीक है। अभी हमको क्लियर पोजीशन नहीं पता है कि वो है कहां, ठीक है, बट जितना ये समय लगा यहां से आने में और जितनी चाल से आई, मान लीजिए कि ये सैटेलाइट आपसे 5000 किलोमीटर की दूर पे है, तो अब जो वस्तु है वो यहां पर भी हो सकती, यहां पर भी हो सकती है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर, यानी इस रेडियस के सर्किल में ये वस्तु कहीं पे भी हो सकती है, ठीक। ये पहला सैटेलाइट निर्धारित किया। फिर उसके बाद दूसरे सैटेलाइट से फिर यही प्रक्रिया होती है। दूसरा सैटेलाइट जब, दूसरे सैटेलाइट से जब यहां मैसेज प्राप्त होता है, तो इसको सर्किल मानकर, इसको रेडियस मानकर हम क्या करते हैं, एक सर्किल खींच देते हैं। तो अब जब दूसरे सैटेलाइट से हमको मैसेज प्राप्त हुआ, तो ये कहां पे, देखो एक पॉइंट पे यहां काटा और एक पॉइंट पे ये यहां काटा। तो अब दूसरे सैटेलाइट ने पुष्टि कर दिया कि जो आप सर्च कर रहे हो वो या तो यहां पे है या तो यहां पर। पहले इस घेरे में कहीं पे भी था, जो पहले सैटेलाइट से हमको मैसेज मिला उसमें क्या था कि ये आपका जो वस्तु है वो यहां पे कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन दूसरे उपग्रह से जो हमको मैसेज मिला उससे क्या हुआ कि यह वस्तु या तो यहां पे है या तो यहां पे। क्लियर। ठीक यही काम तीसरी उपग्रह भी करती है। ये जो तीसरी उपग्रह करती है, अब इस तीसरी उपग्रह से हमने रेडियस फिर खींच दिया, तो अब जहां पे ये तीसरी उपग्रह इन पॉइंट पर काटेगी, देखो तीनों सैटेलाइट का रेडियस किस पॉइंट पर काटा है, यहां पे, यानी कि अब वस्तु की स्थिति स्पष्ट हो गई कि ये वस्तु कहां पे है, यही पे। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ट्रायल लिटरेशन। क्लियर। बट इसके द्वारा क्या होगा, हमको किसी भी वस्तु की जो इमेज प्राप्त होगी, ठीक है ना, जो इमेज प्राप्त होगी वह टू डायमेंशनल इमेज प्राप्त होगी, ठीक
ठीक है, इसके द्वारा लंबाई चौड़ाई और समय के साथ जो संगतता है वो तो प्राप्त होगा, लेकिन इसके द्वारा हमको क्या इमेज प्राप्त होगा, 2D इमेज प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन हमको क्या चाहिए इसके साथ, एल्टीट्यूड भी चाहिए, उस वस्तु की ऊंचाई भी चाहिए, तब वहां पर एक और सैटेलाइट काम होता है जो चौथे सैटेलाइट का काम होता है। तो चौथा सैटेलाइट क्या करता है, उसकी 3D इमेज हमको देता है, क्या करता है, 3D इमेज देता है। तो यानी कि एक नेविगेशन सिस्टम को, ठीक है, किसी भी वस्तु के पिन पॉइंट पर या किसी भी वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए हमको मिनिमम कितने सैटेलाइट की आवश्यकता हो रही है, 4। 3 सैटेलाइट क्या कर रहे हैं, लंबाई उसकी चौड़ाई और उसकी दूरी समय के साथ ये बता रहे हैं, और चौथा सैटेलाइट क्या करेगा, उसकी ऊंचाई को हमको बताएगा, ठीक है। तो किसी भी नेविगेशन प्रणाली में किसी भी वस्तु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमको क्या चाहिए, कम से कम 4 सैटेलाइट चाहिए, ठीक है। और 4 सैटेलाइट रहेगी तो हमको वहां पे क्या मिलेगा, 3D इमेज मिलेगा और वस्तु की पूरी तरीके से स्थिति का निर्धारण हो जाएगा। तो इसके कॉन्सेप्ट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ट्रायल इटरेशन। ट्रायल इटरेशन में क्या होता है, 3 उपग्रहों का समूह होता है। पहले उपग्रह का समूह जो आपको मैसेज भेजता है, जितनी दूर पे वो हो, कितनी भी दूर हमको नहीं पता, मैसेज कितनी दूर से आया उसके हम चाल और समय से निकाल लेते हैं, स्थिति का निर्धारण कर लेते हैं। तो ये मानकर चलते हैं कि जो पहला उपग्रह हमको मैसेज दे रहा है वह इस सर्किल में कहीं पर भी वह वस्तु हो सकता है। वही काम दूसरा उपग्रह करता है तो अब उस वस्तु की स्थिति फिक्स हो जाती है, वो या तो यहां पे है या तो यहां पे। फिर तीसरा उपग्रह से वही मैसेज मिलता है और तीनों जहां ये पॉइंट पे काटते हैं तो इसका मतलब कि वह वस्तु उसी पॉइंट पर मौजूद है, ठीक। तो यहां से वस्तु की स्थिति का निर्धारण हो गया, लंबाई चौड़ाई का निर्धारण हो गया, दूरी का निर्धारण हो गया, अब बचा निर्धारण हो गया, लंबाई चौड़ाई का निर्धारण हो गया, दूरी का निर्धारण हो गया, अब बचा वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई के लिए एक चौथी सैटेलाइट्स का हम इस्तेमाल करते हैं जो उसके एल्टीट्यूड को दर्शाता है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ट्राई लिटरेशन। एंगल नहीं बताता है, सिर्फ क्या बताता है, दूरी को बताता है, क्लियर। अब उसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट है, इसी में देख लीजिए, दूसरा मिटा रहा हूं इसको, ठीक है, सिंपल है, आराम से बना सकते हो। पिन पॉइंट का ऋतु मतलब होता है कि वह स्थान वहीं पे है, कहां पे है, जिसको आप ढूंढना चाह रहे हो। अब जैसे मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, अब ध्यान से सुनना इसे, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और इस पृथ्वी का पूरा ये कितना है, 360 डिग्री है कि नहीं, इससे ज्यादा तो नहीं है, 360 डिग्री है ना, कहीं पे पढ़ा रहा था तो बोल रहा था कि नहीं सर 180 डिग्री होता है, वो बंदा वो बोल रहा था जो पूरी भूगोल पढ़ चुका था, हमने कहा वाह क्या बात है, 360, क्लियर। अब देखिए एक सैटेलाइट नॉर्मली, एक उपग्रह जो होता है वह आपके पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री एक उपग्रह जो होता है वह पृथ्वी के 60 डिग्री एंगल को कवर करता है, एक उपग्रह, ठीक है, ध्यान से सुनना, एक सैटेलाइट जो होता है वह पृथ्वी के 60 डिग्री एंगल को कवर करता है, यानी कि जो पृथ्वी के 60 डिग्री एंगल में यहां पर जितने भी देश होंगे या जितना भी एरिया होगा
उसको एक उपग्रह क्या करेगा, कवर करेगा। क्लियर? तो जाहिर सी बात है कि इस 60 डिग्री एंगल में अगर हमको नेविगेशन चाहिए तो यहां पर हमको कुल कितने सैटेलाइट की आवश्यकता होगी? 4 सैटेलाइट की आवश्यकता होगी कि नहीं? एक सैटेलाइट हमारी क्या बताएगा, लंबाई, दूसरी क्या बताएगा, चौड़ाई, तीसरी क्या बताएगा, ऊंचाई, और चौथा, जैसे मैंने बोला ना, 4 सैटेलाइट। ठीक है, तो 60 डिग्री नेविगेशन को हमको 60 डिग्री नेविगेशन, अगर 60 डिग्री एंगल में हमको नेविगेशन चाहिए तो उसके लिए हमको कम से कम कितने सैटेलाइट चाहिए? 4, जैसे नॉर्मली नेविगेशन में हम बात करते हैं। तो एक सैटेलाइट का कवरेज एरिया कितना? 60 डिग्री होता है। तो जाहिर सी बात है 60 डिग्री में ये एंगल लंबाई को बताएगा, एक उसकी चौड़ाई को बताएगा, एक उसकी ऊंचाई को बताएगा। ठीक है, लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल और एल्टीट्यूडनल, 3 हो गया। चौथा क्या बता देगा? उसके समय के साथ अटैचमेंट, संगतता। क्लियर? तो 60 डिग्री एंगल में कितने सैटेलाइट हमको चाहिए? कम से कम 4। ठीक है, तो अब आप बताओ कि पूरी पृथ्वी पर अगर हमको नेविगेशन स्थापित करना होगा तो, अगर पूरी पृथ्वी पर नेविगेशन स्थापित करना होगा तो कितना? 24 होगा ना, 360 डिग्री होगा ना, तो 360 डिग्री में कुल कितने सैटेलाइट हो जाएंगे? 24। तो ऐसा, बस यहीं पे समझ लो, ऐसा नेविगेशन सिस्टम जिसमें कम से कम 24 सैटेलाइट हो, ऐसा नेविगेशन सिस्टम जिसमें कम से कम 24 सैटेलाइट हैं, तो वो क्या हो जाएगा? ग्लोबल। ठीक है, और जहां 24 से कम है, जहां 24 से कम है, वो क्या हो जाएगा आपका? रीजनल। आ गया? तो सैटेलाइट नेविगेशन कितने हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है वैश्विक और दूसरा होता है क्षेत्रीय, जिसको हम रीजनल बोलते हैं। तो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम ऐसे नेविगेशन सिस्टम होते हैं जिनमें कम से कम कितने सैटेलाइट होते हैं? 24 सैटेलाइट होते हैं। अगर 24 से कम है तो वो ग्लोबल नहीं होगा, 24 है या 24 से ज्यादा है तो वो क्या होगा? ग्लोबल। ठीक है, यानी पूरे पृथ्वी पर नेविगेशन इस्टैब्लिश करने के लिए कम से कम कितने उपग्रह चाहिए? 24। ठीक है, इसीलिए आप पढ़ते हो IRNSS में कितने सैटेलाइट लॉन्च किए गए? 7 सैटेलाइट लॉन्च किए गए। ठीक है, तो ये IRNSS कैसा है? क्षेत्रीय है, भारत का है। ठीक है ना, तो मान लो जैसे ये कोई भी देश है, अगर मान लो कोई देश 80% एंगल पे कवर कर रहा है, यानी उसका पूरा क्षेत्रफल कितना है? 80 डिग्री पे है, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर सैटेलाइट कितने होंगे? 4 तो होंगे, 4 से और बढ़ा देंगे आगे। ठीक है, तो 24 से अगर कम है तो सिंपल आप जान लेना वो क्षेत्रीय है, और 24 या 24 से अधिक है तो वो नेविगेशन कैसा है? ग्लोबल। जितने भी नेविगेशन के सैटेलाइट होते हैं, नौवहन प्रणाली के जितने भी उपग्रह होते हैं, वह 18,000 से लेकर 24,000 किलोमीटर के बीच स्थापित किए जाते हैं। ठीक, अब जैसे अभी आपने पूछा कि जीपीएस है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो जीपीएस में क्या है? ग्लोबल है, वैश्विक स्तर पे है। ठीक है ना, तो वैश्विक स्तर पे है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो सैटेलाइट होंगे वो कितने होंगे? 24 से अधिक होंगे। ठीक है, तो जो अमेरिका का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अभी तक पूरी तरीके से इस्टेब्लिश ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो आकाश जी है वो अमेरिका का है। ठीक है, वही हैंडल करता है इसको।
दीपक जी, ये जो सैटेलाइट होते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग के जो सैटेलाइट होते हैं, ये आपके कहां स्टैब्लिश किए जाते हैं? 18,000 से 24,000 किलोमीटर के बीच में, ठीक है ना, यानी कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट में स्टैब्लिश किए जाते हैं। वो अलग अलग दूरी के अनुसार उनको स्थापित करते हैं, ठीक है। हर एक सैटेलाइट की दूरी फिक्स नहीं होती है, तो इससे क्या होता है, नेविगेशन से जो होता है वो स्थिति का पता लगाया जाता है, ठीक है। पूरे अर्थ की जानकारी की बात नहीं हो रही, यहां पे स्थिति का पता लगाया जाता है। गूगल काफी स्मार्ट हो गया, मतलब नहीं समझे, किस अनुसार स्मार्ट हो गया? इंडिया का अपना है, क्षेत्रीय है, अभी आएगा IRS मैं बताऊंगा। स्मार्ट तो आप भी हो, है ना? स्मार्ट का मतलब क्या होता है? सुंदर दिखना थोड़ी होता है। हाँ बिल्कुल, जो भी ये इमेज लेते हैं वो सब सैटेलाइट के माध्यम से ही लेते हैं। अब कौन सी कंट्री यूज करती है कि नहीं करती, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। गूगल देखिए, गूगल के स्मार्ट होने का रीजन बहुत सारा है, ठीक है। क्वांटम सुप्रीमेसी में गूगल आगे जा रहा है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बहुत हद तक इस्तेमाल करता है, ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि गूगल क्या है, आपसे भी स्मार्ट होता है ना। एक टीचर से भी ज्यादा स्मार्ट होता है गूगल। सबसे बड़ा जो गुरु है वो गूगल ही है। ये सब फालतू की चीज है, गूगल का अपना खुद का बर्थडे है। ये IT में आएगा तो मैं बताऊंगा क्वांटम सुप्रीमेसी क्या है। ये क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए, बिल्कुल नेविगेशन सिस्टम का बहुत हद तक कई जगह यूज होता है। हाँ सुनिए, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटर, ये IT में आएगा तो मैं बताऊंगा। अदरवाइज मैं क्वांटम कंप्यूटिंग अभी बताने लगूंगा तो फिर सुबह से शाम हो जाएगी, इतना आसान नहीं है। अब ये आकाश जी, जो नेविगेशन सिस्टम होता है, जैसे GPS का जो है, हम नेविगेशन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसियां होती हैं, अलग अलग बैंड इस्तेमाल की जाते हैं। कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जो सबके लिए अवेलेबल होती है, जैसे हम लोग GPS का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो GPS की हम सारी फ्रीक्वेंसी का नहीं इस्तेमाल करते हैं, कुछ ही फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ फ्रीक्वेंसियां ऐसी होती हैं जो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, इनक्रिप्टेड होती हैं, वो कोडेड होती हैं, सब उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसी वजह से आप देखिए, जो GPS का हम लोकेशन ट्रेस करते हैं, इस GPS के लोकेशन में कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। वो पहले भी बताया था ना, आप सड़क के इस पार खड़े होते हैं, ओला कैब वाला बोलता है कि मैं आ गया हूं आपके पोजीशन पे, और आपके मोबाइल पे भी दिखाता है, लेकिन पता चलता है कि वो 10 मीटर दूर खड़ा है, पता चलता है कि वो उस मोड़ पे खड़ा है, रोड के उस पार खड़ा है, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, कुछ फ्रीक्वेंसियां आम लोगों के लिए इस्तेमाल होती है, बाकी कुछ फ्रीक्वेंसियां इनक्रिप्टेड होती है, वो सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके पास उसके कोड मौजूद होते हैं, ठीक है। यही रीजन है कि जब कारगिल वार हो रहा था, तो कारगिल वार के समय हमारी सेना जब पहाड़ पर चढ़ रही थी, तो अमेरिका से अनुरोध की थी कि हमको वहां पे जो पाकिस्तानी सैनिक पहाड़ों पे बैठ गए हैं या पहाड़ों के पीछे छुपे हुए हैं, उनका हमको GPS लोकेशन दे दिया जाए, ताकि हम सटीक पॉइंट पे क्या करें, गोला बारूद को गिरा सके, हमला कर सके। और उस समय अमेरिका ने हमको GPS देने से मना कर दिया था लोकेशन, ठीक।
लोकेशन देने से मना कर दिया। उसी समय भारत ने तय कर लिया था कि हम अपना जीपीएस सिस्टम खुद बनाएंगे, हम अपना नेविगेशन सिस्टम खुद बनाएंगे। और उसी नेविगेशन कलाम जी ने तय कर लिया था कि इसके लिए हमको सैटेलाइट क्या करना है, लॉन्च करना, और इसके लिए सरकार द्वारा भी 2006 को मंजूरी दे दी गई और 2016 में यह पूरी तरीके से तैयार हो गया हमारा अपना जीपीएस सिस्टम। ठीक है, बस फर्क इतना है कि हमारा जो जीपीएस सिस्टम है वो क्षेत्रीय लेवल का है, ठीक है, बट इसको हम आगे ग्लोबल लेवल तक भी, अब ये हमको क्यों मना किया था, अमेरिका ने मना कर दिया था, है ना, अब क्यों मना कर दिया था, इसका अपना पाकिस्तान के साथ कुछ प्रेम व्यवहार ज्यादा था, उसको लग गया कि हम लोकेशन दे देंगे तो ये पाकिस्तानियों को ज्यादा नुकसान पहुंचा देंगे, क्योंकि उस समय अमेरिका जो थी पाकिस्तान परस्त थी, पाकिस्तान की ज्यादा नजदीकी थी, तो ये आपका क्या बोलता है इंटरनेशनल रिलेशन में आप लोग पढ़ते भी होंगे कि अमेरिका पाकिस्तान के नजदीक क्यों था, क्योंकि उसको एशिया में एक विशेष प्लेस चाहिए, ठीक है ना, और आप लोग पढ़ते होंगे, ज्यादा तो मैं नहीं जाऊंगा, इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते होंगे तो उसमें आपको सर पढ़ाते होंगे कि पश्चिम देश जो होते हैं ना, ये जितने भी विकसित और पश्चिम देश हैं, इनका एक ही मोटो होता है कि मध्य एशिया को और स्थिर करना। उसके पीछे मकसद क्या होता है, तेल का भंडार, और कुछ नहीं होता, ठीक। ये हमेशा मध्य एशिया में अपनी राजनीतिक चाल चलते हैं, मध्य एशिया को हमेशा ये डिस्टर्ब करते हैं ताकि ये लोग आपस में ही लड़ते रहें, आपस में अस्थिर रहें, और इनके तेल पर पूरा का पूरा कब्जा किसका रहे, पश्चिमी देशों का। इराक पे जो हमला अमेरिका ने किया था उसके पीछे तो तेल ही मकसद था, सद्दाम हुसैन थोड़ी मकसद थे, ठीक। और अभी भी चाइना से जो बवाल है अमेरिका का वो किस लिए है, हिंद महासागर को लेकर है, दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग है और इस पर चीन का कब्जा है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, उसमें मत घुसिएगा, नहीं हम ज्यादा घुस जाएंगे तो और चलते ही जाएंगे, ठीक है। तो अब रीजनल और ग्लोबल में बस एक चीज आप समझ लीजिएगा कि ऐसा नेविगेशन सिस्टम जिसमें कम से कम 24 सैटेलाइट हैं तो वो क्या कहलाएगा, ग्लोबल, और जिसमें 24 से कम है तो वो क्या कहलाएगा आपका, रीजनल, ठीक है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, हो गया नेविगेशन का कॉन्सेप्ट। के बाद हम चलते हैं इसकी संरचना को देखते हैं, यानी कि एक नेविगेशन सिस्टम में क्या क्या होने चाहिए संरचना, ठीक है। तो संरचना में पहला तो है स्पेस सेगमेंट, क्या होना चाहिए, स्पेस सेगमेंट। तो स्पेस सेगमेंट में क्या है हमारा, सैटेलाइट, यही तो होगा स्पेस सेगमेंट में क्या है, सैटेलाइट। अगर हम अपने देश की बात करें तो IRNSS में कितने सैटेलाइट हैं आपके, 7 सैटेलाइट। तो नेविगेशन के लिए पहली जरूरी चीज क्या है आपका, स्पेस सेगमेंट, दूसरा है आपका कंट्रोल सेगमेंट, ठीक, कंट्रोल सेगमेंट यानी इस सैटेलाइट पे जो कंट्रोल होता है उसका। तो जो कंट्रोल सेगमेंट है ये कहां से होता है, इसरो की संस्था में मैंने बताया था, याद करिए आप, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी बताया था, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ये यहां से क्या होता है, उपग्रहों पर नियंत्रण रखा जाता है, ठीक है। हाँ, तो इसका सेंटर कहां है, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ठीक। तीसरा जो इसका सेगमेंट होता है, फर्स्ट तो आपका सैटेलाइट, दूसरा सैटेलाइट को कंट्रोल सेगमेंट, तीसरा होता है यूजर सेगमेंट, यूजर सेगमेंट।
यानी इस नेविगेशन को यूज करने वाला सेगमेंट, और यूजर सेगमेंट कौन सा होता है? रिसीवर होता है। जैसे आप, जिसके पास इसका रिसीवर मौजूद हो। तो नेविगेशन में तीन किसके कौन संरचना है? पहला स्पेस सेगमेंट, दूसरा कंट्रोल सेगमेंट, और तीसरा है आपका यूजर सेगमेंट। ठीक, नेक्स्ट। अब जो इसका तीसरा पॉइंट था, एक हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है, दूसरी हो गई संरचना, तीसरा हो गया टाइप्स। टाइप्स ऑफ नेविगेशन। तो नेविगेशन टू टाइप्स के, नेविगेशन मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ठीक है, नेविगेशन टू टाइप्स के होते हैं। एक को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पोजिशनिंग, और दूसरे को हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड पोजिशनिंग। स्टैंडर्ड नेविगेशन, और दूसरे को हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड नेविगेशन। टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड और रिस्ट्रिक्टेड। अब इस स्टैंडर्ड और रिस्ट्रिक्टेड में अंतर क्या होता है? पहली चीज कि जो स्टैंडर्ड नेविगेशन होता है, ये सिंगल फ्रीक्वेंसी पे कार्य करते हैं, ये सिंगल फ्रीक्वेंसी पे कार्य करते हैं। इनकी परिशुद्धता अगर हम परिशुद्धता की बात करें, एक्यूरेसी की बात करें, तो ये लगभग 15 मीटर होता है। परिशुद्धता कितनी है इनकी? 15 मीटर होती है। और ये ओपन फ्रीक्वेंसी होती है, ये ओपन फ्रीक्वेंसी होती है जिसे कोई भी प्रयोग कर सकता है। ठीक, ओपन फ्रीक्वेंसी होती है जिसे भी कोई भी प्रयोग कर सकता है। ये कूटबद्ध नहीं होती, यानी इसमें कोई कोड नहीं होता, यानी ये कैसा होता है? ये इंक्रिप्टेड नहीं होती। इंक्रिप्टेड नहीं होती, ठीक है। जैसे एग्जांपल, इसके अंतर्गत आता है आपका जीपीएस, और जीपीएस में जो इस्तेमाल किया जाता है वो एल बैंड इस्तेमाल किया जाता है। एल बैंड जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1 से 2 गीगाहर्ट्ज। क्लियर? तो जो स्टैंडर्ड नेविगेशन होता है,
ये सिंगल फ्रीक्वेंसी पे कार्य करती हैं, परिशुद्धता इनकी 15 मीटर होती है, ओपन फ्रीक्वेंसी होती है जिसे कोई भी प्रयोग कर सकता है, ये कूटबद्ध नहीं होती है यानी कि इनक्रिप्टेड नहीं होती है, इनमें कोई कोड वगैरह नहीं होता है, जैसे आपका मोबाइल है ठीक है ना, आप अपने मोबाइल पे जब चाहे तब जीपीएस का इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है। परिशुद्धता का मतलब होता है ऋतु जी कि शुद्धता के साथ गणना करना, मतलब कि ये 15 मीटर जो भी आपको लोकेशन बताएंगी वो 15 मीटर के एरिया में कहीं आसपास होगा, मतलब एक तरीके से अगर जैसे आपने किसी चीज को सर्च किया कि वह कितनी दूर पे है कहां पे है, तो अगर आपको लोकेशन मिल रहा है कि यह लगभग 3 किलोमीटर दूर है, तो आप मान के चलिए कि 3 किलोमीटर के दूर तो है ही है, बट वहां से ये 15 मीटर के आसपास कहीं भी हो सकता है ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं परिशुद्धता ठीक है। इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं कि अभी IRNSS के यूज करने के लायक अभी यूजर पॉइंट का निर्माण यानी एप्लीकेशंस का निर्माण हो रहा है, वो भी हो गया है, जल्दी में हम इसका इस्तेमाल करेंगे क्लियर। अब आते हैं रिस्ट्रिक्टेड नेविगेशन में, ये जो रिस्ट्रिक्टेड नेविगेशन होता है इसमें क्या होता है, दोहरी फ्रीक्वेंसी का प्रयोग होता है, जैसे यहां पर सिंगल फ्रीक्वेंसी और इसमें क्या होता है दोहरी फ्रीक्वेंसी का प्रयोग होता है ठीक है। अब इसमें जो परिशुद्धता है कितना है 15 मीटर, लेकिन यहां पर जो परिशुद्धता होती है 0.2 से 0.3 मीटर के बीच होती है, रिस्ट्रिक्टेड में 0.2 से 0.3 मीटर के बीच होती है क्लियर। तीसरा, ये ओपन फ्रीक्वेंसी होती है, ये कैसी होती है, ये क्लोज्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ये क्लोज फ्रीक्वेंसी होती है जिनका सब इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक। जिनका सब इस्तेमाल नहीं कर सकते ये क्या होती है, कूटबद्ध नहीं होती है, ये इनक्रिप्टेड होती है, मतलब जिनके पास कोड होगा वही इसका इस्तेमाल कर पाएगा और दूसरा कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे इसका जीपीएस, अगर हम यहां पे एग्जाम्पल बात करें IRNSS भारत का ठीक है, तो इस IRNSS में दो बैंड इस्तेमाल होता है, एक L बैंड और दूसरा S बैंड, ठीक। L बैंड और S बैंड, इनक्रिप्टेड का मतलब आकाश जी, इनक्रिप्टेड का मतलब होता है कूटबद्ध, जैसे आपका मोबाइल है ना, आप अपने मोबाइल पे पासवर्ड डाल देते हो, सिर्फ आप ही खोल पाते हो, दूसरा कोई नहीं खोल पाता, तो आपका सिस्टम कैसा हो गया, इनक्रिप्टेड हो गया ठीक है। हाँ, आजकल लोगों के चरित्र का निर्धारण उनके मोबाइल से ही होता है, मॉडर्न जमाने में जिसके मोबाइल पे जितना पासवर्ड है समझ लो उतना ही करप्ट है। मैंने तो देखा है कुछ लोग अपने मेमोरी कार्ड को भी ब्लॉक किए रहते हैं, गैलरी को भी ब्लॉक किए रहते हैं, व्हाट्सएप को भी ब्लॉक किए रहते हैं, मालूम पड़ता है मोबाइल नहीं, पूरी ISI की गुप्त फाइलें उनके मोबाइल में पड़ी हुई है। ठीक,
नहीं, आकाश जी, जो क्लोज फ्रीक्वेंसी होती है इसका आम लोगों को इसको नहीं परमिशन दी जाती है, ठीक है ना। होता क्या है कि देखिए, जो हमारा IRNS है इसमें दो बैंड इस्तेमाल होगा, एल बैंड और एस बैंड। एल बैंड की फ्रीक्वेंसी कितना है 1 to 2, एस बैंड का कितना है 2 से 4। तो एल बैंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है स्टैंडर्ड, इसमें जो IRNS में है, तो IRNS दोनों प्रकार का है, स्टैंडर्ड भी है और रिस्ट्रिक्टेड भी है। तो एल बैंड की जो फ्रीक्वेंसी का हम इस्तेमाल करेंगे स्टैंडर्ड के तौर पर, वह सभी के लिए होगा। लेकिन एस बैंड की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हमारी संस्थाएं ही कर पाएंगी, जो हमारी गुप्तचर संस्था है या फिर हमारी सेना है, यही लोग। ये आम पब्लिक के लिए ये नहीं होगा। यानी कि एस बैंड पूरी तरीके से क्या होगा, इंक्रिप्टेड होगा, लेकिन एल बैंड क्या होगा, वो आम पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। नहीं, इनके यूज करने के लायक एप्लीकेशंस जो हैं, ये आप अपने मोबाइल में यूज करोगे, इसके लिए क्या है IRNS के यूज के लिए ऐप बनाए जा रहे हैं, ठीक है। सैटेलाइट फोन भारत में अनुमति नहीं है आम पब्लिक के लिए, ठीक है। जैसे GPS हम इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे ही IRNS का भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। अभी आएगा IRNS, हम बताएंगे। अब चलते हैं प्रमुख नौवहन प्रणाली। ठीक है, अब जो प्रमुख नौवहन प्रणाली है, इसमें दो कैटेगरी के, पहली कैटेगरी होती है आपकी ग्लोबल और दूसरी कैटेगरी होती है आपकी रीजनल। यानी कि ग्लोबल नेविगेशन और रीजनल नेविगेशन, ठीक है, या ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भी ले सकते हो। रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, इसके अंतर्गत दो चीज, एक तो कार्यरत और दूसरा कार्यशील, ठीक। तो अभी तक जो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम में जो कार्यरत है वो है आपका GPS अमेरिका को, ठीक है। और इस GPS को हम नव स्टार भी बोलते हैं, नव स्टार बोलते हैं। यह है आपका USA का, ठीक है, USA शुरुआत हुई थी 1978 में, ठीक है, सेना, अमेरिकी सेना विभाग के द्वारा। और 1994 से 1994 से यह आम नागरिकों के लिए उपलब्ध है, ठीक है, GPS। और विश्व का एकमात्र और फुल्ली कार्यरत नेविगेशन सिस्टम है ये, जो कि मिलिट्री और नागरिक दोनों यूज के लिए इस्तेमाल की जाती है, मिलिट्री यूज के लिए भी और नागरिक यूज के लिए भी दोनों इस्तेमाल की जाती है, क्लियर। दूसरा, इसी में कार्यरत में, दूसरा है आपका ग्लोनास,
ग्लोनास, ग्लोनास ये है आपके रसिया का, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, ग्लोनास ये है आपके रसिया का, रूस का है, ये दोनों कार्यरत है। अगर हम जीपीएस की बात करें तो जीपीएस में कुल 32 सैटेलाइट है, 32 सैटेलाइट लॉन्च किया है जीपीएस के लिए, ठीक है, चाहिए कितना, 24। ग्लोनास में कितने सैटेलाइट हैं, 31। तो ये जो दो हैं आपके, ये पूरी तरीके से कार्यरत है, ठीक, पहला जीपीएस और दूसरा ग्लोनास। अब कार्यशील की अगर हम बात करें तो कार्यशील में पहला है आपका गैलीलियो, गैलीलियो ये यूरोपीय संघ का है, यूरोपीय संघ का है गैलीलियो, अभी विकासशील देश है, सॉरी विकासशील है। इसमें जो उपग्रह है वो कितने हैं आपके, 30। और दूसरा चाइना का है कंपास, या इसको बोलते हैं बेडू टू, बेडू टू इसमें भी सैटेलाइट है आपके 35। कहां का है ये, चाइना। अभी ये कार्यशील, ये वैश्विक लेवल पे यही दो कार्यरत हैं, बाकी गैलीलियो और कंपास ये क्या है आपके, कार्यशील। रीजनल की अगर हम बात करें, रीजनल में दो, पहला तो अपना ही IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, दूसरा बेडू वन, या इसको कंपास भी, कंपास वन भी बोलते हैं। कुशवाहा जी, चाइना हट के काम नहीं करता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में 32 सैटेलाइट तो काम कर रहा है, और पता है अमेरिका ने इसके लिए कितना छोड़ा है, 72 सैटेलाइट है ना, तो अमेरिका कम नहीं है। नहीं, रसिया का हम लोग यूज नहीं करते हैं, जीपीएस उसके उसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। गैलीलियो यूरोपीय संघ का है, कार्यशील का मतलब और कार्यरत का मतलब सुनिए, कार्यरत का मतलब कार्य कर रहा है फंक्शन में, कार्यशील का मतलब कि निकट भविष्य में ये कार्य करेगा, अभी ये कार्य करने के लायक रेडी नहीं है, बट कुछ ही दिन में ये रेडी हो जाएगा, ठीक है, अभी उस पे काम चल रहा है। अब हमको किसको देखना है, IRNSS,
अब हमारा जो नेविगेशन है, अभी तो नहीं सर्च किए हैं, देख लीजिए आप भी सर्च करके। चलिए IRNSS, भारत के लोग महान और उनकी कार्य क्षमता भी महान, ठीक है। देखो इतना बड़ा विश्व और उस विश्व के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तीन शब्द में नाम बना दिए, ठीक है ना। और हमारा देखो क्षेत्रीय, उसका भी हम लोगों ने क्या नाम रखा, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। यही नहीं, और भी नाम है, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, नाविक। क्या बोला जाता है, नाविक, ठीक। जब हमारा अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम इस्टेब्लिश होने की बात हुई, ठीक है, तो सरकार द्वारा क्या किया गया कि सन 2006 में इस प्रोग्राम के लिए अनुमति दी गई, जिसे 2016 में पूरा कर लिया गया, ठीक है। अब जब इसको अनुमति दी गई तो इसको कहा गया कि जीपीएस के तर्ज पर 7 उपग्रहों का समूह लॉन्च करने का प्रावधान रखा गया, जिसमें से 4 जियो स्टेशनरी और सॉरी जिसमें से 3 जो था जियो स्टेशनरी और 4 जो थे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में उपग्रहों को स्थापित किया, ठीक। और इसके लिए नाविक के लिए IRNSS के लिए भारत सरकार द्वारा मात्र 1500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। कितना, 1500 करोड़ रुपए, और एक सैटेलाइट को लॉन्च करने में लगभग 500 करोड़। सोच लो इतना कम बजट दिया गया था इसरो को नेविगेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो हमारे जो टेक्नोक्रेट थे इसरो के, अब उनके दिमाग में एक बड़ा खुराफात चीज चला कि इतने कम पैसे में हम कैसे नेविगेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी पीछे हमने पढ़ा था कि नेविगेशन सिस्टम में जो दूरी है वो 18,000 से 24,000 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। तो अब वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ी समस्या आई कि इतने कम पैसे में हम, अगर हमको नेविगेशन सिस्टम इस्टेब्लिश करना है केवल भारत के लिए या मान लो ग्लोबल के लिए, तो हमको ज्यादा से ज्यादा सेटेलाइट स्थापित करना होगा। भारत के लिए अगर हम बात करें तो ज्यादा सेटेलाइट स्थापित करना होगा, और इतने कम पैसे में ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि निचली कक्षा में अगर हम स्थापित करेंगे मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो 18,000 से 24,000 किलोमीटर के बीच में है, तो सैटेलाइट की संख्या हमको क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि देखो ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के नजदीक जितना सैटेलाइट रहेगा तो यहां पे पिक्चर की क्वालिटी और अच्छी देगा, ठीक है। जितना दूर रहेगा उतने पिक्चर की क्वालिटी क्या होगी, खराब होगी, जैसी बात है। तो अब क्या किया साइंटिस्टों ने, उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम इतने पैसे में ही अपना नेविगेशन एस्टेब्लिश करते हैं,
करते क्या है कि हम मीडियम अर्थ ऑर्बिट के बजाय हम हायर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च कर दें, क्योंकि हमको क्या करना है, ग्लोबल पे नहीं जाना है, सिर्फ रीजनल पे जाना है, क्षेत्रीय लेवल पे ही देखना है। तो अगर क्षेत्रीय लेवल पे ही देखना है तो हम 7 सैटेलाइट को भेज देते हैं, और अभी हम 7 को भेज देते हैं और जब जरूरत पड़ेगी तो फिर हम इसको ग्लोबल में बदल देंगे। यही उन लोगों ने सोचा, और ये सोचकर इतने कम पैसे में उन्होंने 7 सैटेलाइट को आपके अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया, जिसमें 3 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और 4 जो है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट को स्थापित किया। अब ये जो नाविक है ये भारतीय सीमा के साथ साथ भारत की सीमा से लगे 1500 किलोमीटर एरिए को भी क्या करेगा, कवर करेगा, और इससे यूपीएससी में 2 साल पहले क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, भारत की सीमा के साथ साथ वह उससे लगे 1500 किलोमीटर की एरिए को क्या करेगा, कवर करेगा। अब सुनिए, अब ये जो IRNSS लॉन्च हुआ, इस लॉन्च का जो पहला सैटेलाइट था जिसको 1 जुलाई 2013 को पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, उसको नहीं आपको याद करने की जरूरत है, PSLV C-22 से, PSLV XL C-22 से इसका पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था जिसका नाम था IRNSS फर्स्ट ए। ठीक, और इसका आखिरी सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, 7वां जो सैटेलाइट था वह था आपका 28 मार्च 2016, IRNSS फर्स्ट जी। 7 हो गए। ठीक है, अब उसके बाद क्या पता चला कि कुछ दिन के बाद पता चला कि जो IRNSS फर्स्ट ए का जो सैटेलाइट है उस सैटेलाइट में जो परमाणु घड़ी है वो काम करना बंद कर दी। ठीक है, लगभग हर सैटेलाइट में 3 परमाणु घड़ी लगती है, तो अब जब फर्स्ट ए का परमाणु घड़ी कार्य करना बंद कर दी, PSLV C-22 पहला जो लॉन्च किया गया, तो इसके बदले में, फर्स्ट ए के बदले में फिर लॉन्च किया गया फर्स्ट एच। सभी PSLV से ही क्या लॉन्च किया गया, फर्स्ट एच लॉन्च किया गया, और इस फर्स्ट एच को लॉन्च किया गया जून 2017 में। ठीक, अब जब ये फर्स्ट एच अपने ऑर्बिट में पहुंचा तो इस सैटेलाइट के ऊपर जो कवर होता है, हीट शील्ड होता है, वो उससे अलग नहीं हो पाया, तो यह भी अभियान क्या हो गया, फेल हो गया। तो PSLV के एक अभियान फेल में आपका ये भी 1H। ठीक है, तो फिर उसको दुरुस्त करने के लिए, अभी फर्स्ट एक कंप्लीट नहीं हुआ, फिर उसको दुरुस्त करने के लिए अप्रैल 2018 में फर्स्ट आई को भेजा गया, फर्स्ट आई को भेजा गया, फर्स्ट आई को भेजा गया, और ये सही ढंग से कार्यरत, सही ढंग से ये क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। क्लियर, अब सुनिए, अब IRNSS, जैसे कि मैंने पिछले वही बताया, ये 2 प्रकार की फ्रीक्वेंसी इसमें इस्तेमाल होगी, एक स्टैंडर्ड और दूसरा रिस्ट्रिक्टेड। तो जो स्टैंडर्ड सेवा होगी वो आम नागरिकों के लिए होगी, और जो रिस्ट्रिक्टेड सेवा होगी वह किसके लिए होगी, सिर्फ और सिर्फ अधिकृत संस्थाओं के लिए होगी, जैसे गुप्तचर संस्था, सेना वगैरह। ठीक है, ये इस्तेमाल होगा। क्लियर, अब इस नेविगेशन की भारत को आवश्यकता ही क्यों, ठीक, इसके तहत क्या हो सकता है कि सेना की IRNSS फर्स्ट, देखो IRNSS जो पहला सैटेलाइट है वो 1 जुलाई 2013 को लॉन्च किया गया था PSLV C-22 से। ठीक है, और कुल इसमें 7 उपग्रह हैं, और 7 के साथ
नेविगेशन जो आईआरएनएसएस है ना, इसमें कुल 9 उपग्रह रखे गए, 7 लॉन्च किए गए हैं, 2 स्टैंड बाई में रखे गए कि अगर कोई खराब होगा तो तुरंत उसकी जगह हम क्या करेंगे, इसको लॉन्च कर देंगे। ठीक है, अब इस नेविगेशन सिस्टम, अच्छा स्लो बोलेंगे मतलब स्पीड या फिर वॉइस, सनी जी जो उपग्रह में समय की शुद्धता का निर्धारण करने के लिए एटॉमिक वॉच परमाणु घड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, वो नॉर्मल घड़ी उसमें नहीं होती है। हो गया, ये हमारे इसरो की महानता है विवेक जी कि इतने कम पैसे में सैटेलाइट को लॉन्च कर दिए। क्योंकि तो हमारे यहां जो टेक्नोक्रेट जब ठान लेते हैं तो काम कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए जितना यूज जीपीएस का है उतना यूज आपके आईआरएनएसएस का है। इससे क्या होगा, मोहित जी ट्राइलिटरेशन है, ट्राइएंगुलेशन नहीं है। ट्राइएंगुलेशन में हम कोण का निर्धारण करते हैं जबकि ट्राइलिटरेशन में हम दूरी का निर्धारण करते हैं। मैंने बोला ना ये ट्राइलिटरेशन है, ट्राइएंगुलेशन नहीं है। ट्राइएंगुलेशन अलग चीज होती है। ठीक, अब इस आईआरएनएसएस के द्वारा समय की शुद्धता का निर्धारण होगा, सेना इसका इस्तेमाल करेंगी। ठीक है, और भारत के प्रधानमंत्री ने सार्क देशों को भी आईआरएनएसएस के प्रयोग के लिए आमंत्रित किया है, जिसका कूटनीतिक प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत अच्छा पड़ सकता है। तो जितने वर्क आपके जीपीएस के हैं उतने ही वर्क आपके किसके हैं, आईआरएनएसएस के हैं। सर्वे एवं मानचित्र में इनका लाभ हो सकता है। ठीक है, अपराधियों को पकड़ने में भी हो सकता है, मौसम की भी स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इसमें सबसे बड़ा काम होगा आईआरएनएसएस का, कि भारत जो है शरणार्थियों की समस्या से जूझ रहा है। ठीक है, उसके उससे हमको निजात मिल सकती है, सीमा प्रबंधन अच्छे से हो सकता है, सीमा पर आतंकवाद जैसी घटनाओं से हम बच सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ भारत जो है, भारत की पोजीशन अन्य देशों से थोड़ा सा अलग। ठीक है, भारत की पोजीशन क्या है कि भारत के एक तरफ गोल्डन ट्राइंगल कंट्री है और भारत के दूसरी तरफ गोल्डन क्रिसेंट कंट्री है। गोल्डन ट्राइंगल और गोल्डन क्रिसेंट जानते होंगे आप लोग, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा है कि नहीं। आईआर में पढ़े होंगे आप लोग, देखिए जो गोल्डन ट्राइएंगल कंट्री है उनके अंतर्गत आता है म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। ठीक है,
और जो गोल्डन क्रिसेंट कंट्री है हमारे, वो है ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। पूरी दुनिया जानती है कि पूरी दुनिया में जो मादक पदार्थों की तस्करी होती है, जो व्यापार होता है, वो इन्हीं दोनों देशों से होता है। ठीक है, गोल्डन ट्राइंगल और गोल्डन क्रिसेंट देशों से। ठीक है, तो अगर हमारा नेविगेशन स्ट्रांग है, अगर हम अपने नेविगेशन सिस्टम को स्ट्रांग किए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि मादक पदार्थों से की तस्करी से हमको क्या मिल सकती है? आजादी मिल सकती है। ठीक है, अभी तक IRNSS की अगर हम बात करें तो इसमें चुनौतियां सिर्फ एक ही हैं, उसको भी दूर कर लिया गया है। और चुनौती इसमें यह है कि इसके लिए उपयुक्त फोन, मोबाइल एप्लीकेशंस या रिसीवर, इसका भी निर्माण किया जाना है। ठीक है ना, यही एक चुनौती है IRNSS की, बाकी और इसमें कोई चुनौती नहीं है। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं आपके IRNSS की। दूसरा इसमें है आपका गगन, ठीक, गगन, गगन को हम बोलते हैं GPS एडेड। GPS एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन, GPS एडेड जियो ठीक। गोल्डन जो ट्राइएंगल कंट्री है, गोल्डन ट्राइएंगल कंट्री में आपका म्यांमार, लाओस और थाईलैंड है, और गोल्डन क्रिसेंट में है आपका ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, अब देखिए जो गगन है आपका, ये कोई नई प्रणाली नहीं है। ठीक है, अब हमारा जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है GPS का इस्तेमाल करता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी को कोई गलत मैसेज मिलता है या कोई गलत लोकेशन मिलता है, तो प्लेन तो उसी लोकेशन पे उड़ेगा जैसा उसको लोकेशन मिलेगा। ठीक है, अगर मान लो अमेरिका जानबूझकर हमको GPS का गलत लोकेशन दे दिया, तो प्लेन तो कहीं और चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो टोटल किस पे डिपेंड होता है? लोकेशन बेस पे। तो हमारी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, इसी GPS लोकेशन की शुद्धता के लिए, यानी इस GPS लोकेशन को भी और अच्छे तरीके से परिशुद्ध करके एयरपोर्ट अथॉरिटी को प्रोवाइड करें, उसके लिए एक अलग सिस्टम प्रोवाइड है जिसका नाम है गगन, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन। ठीक है ना, और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी करती है, इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी करती है, सॉरी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सिर्फ यही इस्तेमाल करती है। तो इसके लिए होता क्या है कि जो हमारे पहले से संचार उपग्रह हैं, जिसका नाम है GSAT, आज GSAT 10 और GSAT 15, यानी GSAT 8, 10 और 15, ये जो संचार उपग्रह हैं, इन संचार उपग्रह में GPS के द्वारा जो भी हमको लोकेशन मिलता है, उसको शुद्ध करके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करना, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करना। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि ये जो संचार उपग्रह हैं, इस संचार उपग्रह में गगन के लिए अलग से ट्रांसपोंडर्स लगाए दिए जाते हैं, गगन के लिए अलग से ट्रांसपोंडर्स लगा दिए जाते हैं, जिनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। इसी प्रणाली को हम बोलते हैं गगन प्रणाली। क्लियर?
तो गगन प्रणाली कुछ और नहीं है, जीपीएस से जो भी संकेत मिलता है उस संकेत को और भी परिशुद्ध करके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करना गगन कहलाता है। उसके लिए हम जीसैट 8 और 10 और 15 में हम लोगों ने अलग से ट्रांसपोंडर्स लगाए हैं, जिसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है, इसके अलावा और कोई भी संस्था हमारे देश की नहीं करती है। ये क्या काम करती है, जीपीएस द्वारा जितने भी लोकेशन मिलते हैं उनको ये ट्रैक करती है कि ये सही है कि नहीं है। अब आठ को क्या करें, बचपन की नहीं बनता है, इसीलिए कहते हैं कि बचपन की गलतियों को सुधारा जा सकता है। इसीलिए बचपन में पेंसिल से लिखा जाता था, है ना, बड़े होने पर हम पेन से लिखते हैं, वो इसलिए कि बचपन की गलतियों को सुधारा जा सकता है, बड़े होने पर गलतियों को नहीं। तो आज के लिए बचपन में हम पीटे नहीं गए, बाकी सबके लिए पीटे गए, तो आज नहीं सुधरा, बाकी सुधर गए, ठीक है। तो इतना था आपका नेविगेशन से संबंधित, ठीक है। अब आइए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इंडियन स्पेस का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, 1 मिनट। देखिए, पहले जो माना जाता था कि हमारा जो इसरो है या भारतीय अंतरिक्ष जो संस्था है केवल निवेश का माध्यम है, ठीक है, ठीक। पहले माना जाता था कि यह केवल कैसा है, क्योंकि अंतरिक्ष कार्यक्रम वैसे ही पूंजी प्रधान क्षेत्र है, इसको माना जाता था निवेश का माध्यम, आय का माध्यम नहीं माना जाता था। बट वर्तमान में जो हमारी इसरो है वह निवेश के साथ साथ एक आय का भी माध्यम बनती जा रही है। वो इसलिए क्योंकि भारत क्या करता है, अब दूसरे देश के सैटेलाइट को हम लॉन्च भी कर रहे हैं, दूसरे देशों को उनकी भौगोलिक स्थिति की हम जानकारी दे रहे हैं, दूसरे देश की जो कंपनियां भारत में आती हैं उनके संचार के लिए पर्याप्त मात्रा में हम स्पेक्ट्रम उनको अवेलेबल करवा रहे हैं, संचार उपग्रह को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सबों से हमारी इसरो को क्या हो रही है, अब आय की भी प्राप्ति हो रही है। तो इसरो द्वारा
अंतरिक्ष कार्यक्रम में व्यावसायिक उपयोग के लिए इसरो की एक शाखा है जिसका नाम है एंट्रिक्स। एंट्रिक्स, इसको हम अंतरिक्ष कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या काम करती है, 1992 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। ये इसरो की एक कॉमर्शियल विंग है, एक व्यावसायिक संगठन है। ये क्या करती है, उपग्रहों द्वारा जो भी आय की प्राप्ति होती है उसका ये लेखा जोखा रखती है, एंट्रिक्स। और अगर हम पिछले 3 वर्षों में देखें, ठीक है, तो पिछले 3 वर्षों में एंट्रिक्स ने कुल 239 उपग्रह व्यावसायिक तौर पे लॉन्च किए थे, 239 उपग्रह, जिसमें से कुल लगभग 6289.05 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्त हुआ था इसरो का, ठीक है। अब अगर हम वैश्विक आधार पर देखें तो ग्लोबल मार्केट में जो इसरो की हिस्सेदारी है वो है 335.5 अरब डॉलर की। ग्लोबल मार्केट में इसरो की हिस्सेदारी जो है वो 335.5 अरब डॉलर की है, ठीक है, 41% अकेले अमेरिका का है, ठीक। और अगर हम अपने बजट की बात करें तो केंद्रीय बजट में अब ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा, उनको लगा कि आईएनएसएस क्या डेवलप किया जाए, जीपीएस का तो हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं, है ना, तो ये भारत होता है, भारत देश है ना, अच्छे कामों के लिए पैसे थोड़े से कम मिलते हैं। आप अपने सिटी में नहीं देखते हो, रोड बनती है, कभी देखना ध्यान से, आपके गली में आपके सड़क पे रोड बनेगी, आप देखना रोड बनने के 1 महीने 1.5 महीने के बाद ही पीडब्ल्यूडी वाले रोड खन के लगते हैं पाइप बिछाने, आप देखिएगा ध्यान से, 100% करते हैं, पहले वो नहीं कर लेंगे बाद में करेंगे, है ना। तो ये भारत है, यहां पे कुछ भी हो सकता है। तो इसरो की अभी जो अगर हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट में जो हमारी हिस्सेदारी है वो कितनी है, 335.5 अरब डॉलर की है, अकेले 41% अमेरिका यानी नासा की हिस्सेदारी है। भारत की केंद्रीय बजट में हिस्सेदारी 0.3%, यानी कि जहां पर अभी तक हम इसको कहते थे कि ये सिर्फ निवेश का माध्यम है, अब उसके साथ साथ ये आय का भी माध्यम हो रहा है, और भले ही कम मात्रा में है लेकिन हम अपने केंद्रीय बजट में हिस्सेदारी इसरो क्या कर रही है, दे रही है 0.3%। और अभी हाल ही में, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 2019 में सरकार द्वारा एक नए दूसरे व्यावसायिक शाखा, इसरो के दूसरे व्यावसायिक शाखा का गठन किया गया जिसका नाम है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो पहली व्यावसायिक शाखा है एंट्रिक्स और दूसरी व्यावसायिक शाखा है कौन, NSIL। ये NSIL क्या करेगी, इनको मुख्य रूप से बनाया गया है, ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, यानी कि इसरो अब प्राइवेट सेक्टर में भी क्या कर रही है, प्राइवेट सेक्टर के भी सैटेलाइट को क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। तो ये दूसरी व्यावसायिक शाखा है किसकी, इसरो की, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड।
और ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या करेगी कि यह क्लाइंट की जरूरतों के हिसाब से, क्लाइंट की जरूरतों के हिसाब से सैटेलाइट को क्या करेगी, लॉन्च करेगी। और इसका मकसद ही है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में उद्योगों की भागीदारी को बढ़ाना। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में उद्योगों की भागीदारी को बढ़ाना, ठीक, मेन मकसद है इसका। और अभी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो 7 नवंबर 2020 को जो पीएसएलवी C-49 से 10 उपग्रह लॉन्च किए गए थे, उसमें से एक उपग्रह जो था ईओएस था, अर्थ ऑब्जर्वेटिंग सैटेलाइट, ठीक है। लेकिन कुल कितने सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे, 10, 9 विदेशी सैटेलाइट थे। तो उन 9 विदेशी सैटेलाइट को किसके तहत लॉन्च किया गया था, NSIL के तहत ही लॉन्च किया गया था, ठीक है। और अमेरिका की कंपनी जिसका नाम है स्पेस फ्लाइट, अमेरिका की पहली कंपनी, निजी कंपनी स्पेस फ्लाइट ने अपने उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए सबसे पहला अनुबंध किया था NSIL के साथ। कमर्शियल सैटेलाइट जितने भी, जैसे संचार, वो टेलीकम्युनिकेशन, टीवी वगैरह, इन सब में जो आप पैसे दे के आप सेवा लेते हो, सब कमर्शियल सैटेलाइट है, ठीक है। ये कंपनियां लेती हैं किराए पे सैटेलाइट्स, उसको कमर्शियली यूज करती हैं। आप जैसे आप मोबाइल यूज करते हो, तो चाहे प्रीपेड हो चाहे पोस्टपेड हो, तो आप पैसे दे के ही तो यूज करते हो ना। जैसे आपने कॉल किया, देखो सेम नेटवर्क पे बात करने का कोई पैसा नहीं लगता है। अगर आप वोडाफोन टू वोडाफोन, जियो टू जियो बात करोगे तो कोई पैसा नहीं लगता है। लेकिन जियो टू एयरटेल आप बात करोगे ना, तब उसमें आपके पैसे कटते हैं कंपनियों के। कंपनी तो आपसे लेती है, वो बात दूसरी है। कंपनी का सेम नेटवर्क पे बात कराने का कोई खर्च नहीं पड़ता, कोई भी खर्च नहीं पड़ता है। जब आप जियो से एयरटेल पे बात करोगी तो जियो कंपनी एयरटेल को पेड करेगी, ठीक है। एयरटेल जियो पे बात करेगा तो एयरटेल जियो को पेड करेगा। इसीलिए कंपनियां चाहती कि ज्यादा से ज्यादा उनका सिम बटे और ज्यादा से ज्यादा वो सेम नेटवर्क पे बात करें। तो सेम नेटवर्क पे बात करने का कोई खर्च नहीं होता है, क्योंकि उन्हीं का अपना सैटेलाइट है ना, उसी से वो बात करवा रही है। तो इसीलिए फोर्स होता है कि ज्यादा से ज्यादा किसका हो, एक ही नेटवर्क के फोन हो, सॉरी सिम हो, और एक ही नेटवर्क पे लोग बात करें। इसीलिए लोग कहते हैं कि हमारा ले लो, हमारा ले लो, वगैरह वगैरह। ठीक, केंद्रीय बजट में हिस्सेदारी 0.3% है। देखिए NSIL क्या है, न्यू स्पेस इंडिया जो लिमिटेड है, अब ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, ये दूसरी व्यावसायिक शाखा है किसकी, आपकी इसरो की। और इसका मकसद यही है कि इसरो जो आपकी संस्था है, वह प्राइवेट सेक्टर के सैटेलाइट को भी लॉन्च करेगा, ठीक है। यानी एक तरीके से कि NSIL को पब्लिक सेक्टर की कंपनी माना गया है, अब ये क्या करेगी, प्राइवेट सेक्टर के ही सैटेलाइट को, प्राइवेट सेक्टर के सैटेलाइट को भी लॉन्च करेगी और उससे आय की प्राप्ति करेगी, ठीक है ना। एंट्रिक्स का जो समझौता था वो देशों के बीच था, ठीक है ना। लेकिन अब NSIL क्या करेगी, इसके थ्रू कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने सैटेलाइट को लॉन्च करवा सकती है। और इसका जो पहला अनुबंध है, उस किसके साथ हुआ था, स्पेस फ्लाइट के साथ हुआ था, अमेरिका की कंपनी है। हाँ बिल्कुल, किसी को भी जरूरत पड़ेगी तो लॉन्च कर देगी। आप सैटेलाइट बनवाओ, आपको भी लॉन्च कर देगी।
ठीक है। क्लियर। अब इसी तरह आगे चलते हैं, नेक्स्ट बचा आपका, देखिए प्राइवेट लॉन्च तो करेगी ही इसरो ही, ठीक है, सैटेलाइट तो लॉन्च करेगी इसरो ही, बट उसकी देखरेख कौन करेगी? एनएसआईएल, प्रीति जी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक। अरे अभी तो बताया इसरो रुपये कहां से लाता है, अभी ना मैंने बताया आपको। ये फ्रीक्वेंसी है 1 से 2 गीगाहर्ट्ज़ पे, दीपाली जी, तरंगे हैं 1 से 2 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में जो तरंगे यूज होता है उसको हम बोलते हैं एल बैंड, 2 से 4 में एस बैंड, ठीक है। नेक्स्ट इसका पार्ट है आपका स्पेस पॉल्यूशन, इसको एनवायरमेंट में भी आप पॉल्यूशन के तौर पे पढ़ोगे, हाँ, स्पेस पॉल्यूशन के पहले थोड़ा सा सोशल इंपॉर्टेंस आप देख लीजिए, इकोनॉमिक्स के बाद जो सोशल इंपॉर्टेंस है देखो स्पेस टेक्नोलॉजी का, तो सोशल इंपॉर्टेंस ये है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का जो प्रयोग है कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पे हम स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग ना कर पा रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा प्रयोग है, आप और हम आमने सामने बैठे हैं, है ना, ये सबसे बड़ा प्रयोग है आपका, ठीक। तो पहला है ज्ञानवर्धक तकनीकी, जैसे इंटरनेट, दूर संचार एवं टेलीविजन, ठीक है, पहला ही प्रयोग हो गया ये सामाजिक महत्व। दूसरा कृषि और संसाधन प्रबंधन, कृषि और संसाधन प्रबंधन जैसे फसल योजना, मौसम की भविष्यवाणी, भूमि की संरचना इत्यादि। तीसरे अगर बात करें हम सोशल इंपैक्ट में, सड़क निर्माण, सिंचाई संबंधित परियोजना। चौथे में अगर हम बात करें तो दूरस्थ शिक्षा एवं दूरस्थ चिकित्सा, टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन, दूरस्थ शिक्षा, जैसे हम कहीं और बैठे हैं, आप कहीं और बैठे हो, मैं अकेला बैठ के कई लोगों को पढ़ा रहा हूं, है ना, तो ये सबसे अच्छा माध्यम है आपका, इससे बड़ा एग्जांपल और कुछ नहीं है। तो आज हम आपके सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो इसका भी सबसे बड़ा रीजन कौन सा है? संचार, वो क्या बोलता है, स्पेस, स्पेस के थ्रू ये सब हो रहा है। अगर सैटेलाइट नहीं होता, हाई क्वालिटी के स्पेक्ट्रम नहीं मिलते, तो जाहिर सी बात है हम आप लाइव नहीं हो पाते, अब लाइव नहीं हो पाते तो नहीं पढ़ पाते। याद करो आज के 8 साल पहले 2G था, है ना, 2G में इंटरनेट घर घर घूम घूम के चलता था, 3G में भी वही कंडीशन थी, है ना, 1 GB 300 रुपए की मिलती थी, एक वीडियो देखने में यूट्यूब पे नानी आ जाती थी, तो उस समय वाईफाई को हम ढूंढते थे कि कहाँ है, किसके पास वाईफाई है, है ना, कभी कभी तो किसी घर के सामने घंटों खड़े रहते थे वाईफाई के चक्कर में। लेकिन जैसे जैसे हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्ट्रांग होता गया, ट्रांसपोंडर्स अच्छे अच्छे लॉन्च होते गए, वैसे वैसे हमारी स्पीड भी बढ़ती गई, और आज लगभग आप फ्री में इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो, नियर अबाउट देखा जाए उसकी तुलना में तो क्या है, फ्री में इंटरनेट। और बेरोजगारी की भी परिभाषा इसमें तय हो गई है ना,
जिस बंदे को 1.5 GB इंटरनेट पर डे कम पड़ रहा है उससे उससे ज्यादा भयंकर बेरोजगार कोई नहीं है इस समय। हाँ, इतना समझ लो आप। ठीक, तो दूरस्थ शिक्षा एवं दूरस्थ चिकित्सा। नेक्स्ट, ग्रामीण संसाधन केंद्र में इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, हाँ, रिचार्ज करने पे कैशबैक भी मिलता है भाई। ठीक है, तो जैसे ई गवर्नेंस हुआ, जल प्रबंधन हुआ, तो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर वर्तमान समय में हम इंडियन स्पेस प्रोग्राम या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग ना कर। तो ये सब में आप क्या लिख सकते हो, सोशल इंपैक्ट में आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्पेस पॉल्यूशन। ठीक है, अब स्पेस पॉल्यूशन देखो, पहले जो नासा थी, नासा की एक थ्योरी थी 1978 के पहले, बिग स्काई थी 1978 के पहले, नासा की बिग स्काई थ्योरी थी। इसके तहत नासा ये मानता था कि अंतरिक्ष बहुत बड़ा है और अंतरिक्ष में अंतरिक्ष कचरे जैसी कोई समस्या नहीं। ठीक, बाद में यह पता चला कि अंतरिक्ष में जो उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं वो संसाधन सीमित है उनका। ठीक है, स्थान सीमित है, हर जगह हम अंतरिक्ष को सैटेलाइट को प्रक्षेपित नहीं कर पाते हैं, और प्रक्षेपण जब हम करते हैं, जब भी हम किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, तो प्रक्षेपण यान का अंतिम भाग, चाहे निष्क्रिय उपग्रह या अनियंत्रित उपग्रह, ठीक है, तीनों पार्ट, प्रक्षेपण यान यानी रॉकेट का अंतिम भाग कमा निष्क्रिय उपग्रह या अनियंत्रित उपग्रह अथवा उपग्रहों के टुकड़े या अंतरिक्ष यान के अपशिष्ट, ये सब के सब अंतरिक्ष में क्या है, पड़े हुए हैं, जो कि नए उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में रुकावट उत्पन्न करते हैं, जो कि नए उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में रुकावट उत्पन्न करते हैं। तो अंतरिक्ष में उपस्थित कोई भी ऐसी कृत्रिम वस्तु जो नए उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में रुकावट उत्पन्न करती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अंतरिक्ष प्रदूषण। ठीक, बाद में नासा के ही वैज्ञानिक डोनाल्ड केसलर, डोनाल्ड केसलर ने एक भविष्यवाणी की थी कि 30 से 40 वर्षों के बाद अंतरिक्ष में उपग्रहों की संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि नए उपग्रहों को प्रक्षेपित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अंतरिक्ष में उपग्रहों की संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि नए उपग्रहों को प्रक्षेपित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तथा ये जो अत्यधिक उपग्रह हैं, ये आपस में टकराकर बहुत सारे कचरा उत्पन्न कर सकते हैं ज्यादा लॉन्च होने की वजह से। इसी वजह से केसलर ने एक बड़ा अच्छा शब्द दिया था, देयर इज नो स्पेस इन स्पेस, यानी कि उपग्रह के लिए अब अंतरिक्ष में कोई जगह नहीं बचेगी। जैसे देयर इज नो स्पेस इन स्पेस, एक स्पेस का मतलब जगह है, एक स्पेस का मतलब अंतरिक्ष है आपका। ठीक, जैसे 2007 में चीन जब अपने मिसाइल से अपने उपग्रह को नष्ट किया था तो लगभग 1.5 लाख टुकड़े हुए थे, अभी भी वहां पे। ठीक, 2007 में, 2009 में क्या हुआ कि एक रशियन उपग्रह अमेरिकन उपग्रह से टकराया था जिससे लगभग 2000 से अधिक टुकड़े उत्पन्न हुए थे। ठीक है,
तो इन सब चीजों को किसके अंतर्गत रखा गया है, स्पेस पॉल्यूशन के अंतर्गत रखा गया है। अब इसके समाधान के लिए चर्चाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन अभी तक कोई विशेष अभियान नहीं किया गया है अंतरिक्ष कचरे को समाप्त करने के लिए, क्योंकि सभी देशों के कचरे हैं तो कौन देश ये खर्चा उठाए, सवाल तो ये भी है ना। अब रही बात इसके समाधान की, तो पहला समाधान है ठीक इलेक्ट्रोडायनामिक डिवाइस एलिमिनेटर, ये पहला समाधान। इसमें क्या कहा गया कि एक ऐसा अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजा जाए जिसमें लगभग 200 जाल लगे होंगे, जैसे ये अंतरिक्ष यान ठीक, और इसमें क्या होगा, जाल लगा होगा, और ये क्या करेगा कि कचरे वाले स्थान से गुजरेगा ठीक है, और जितने कचरे हैं उसको इकट्ठा करते हुए क्या करेगा, ये वापस ले आएगा ठीक है। यूएसओ की एक एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है नासा की, जिसको हम डार्पा बोलते हैं, प्रियंका जी ये स्पेस इंटरनेट स्टारलिंक प्रोजेक्ट है ठीक है ना। स्टारलिंक नेटवर्क है, सैटेलाइट के माध्यम की सहायता से एक स्पेस एक्स का ये प्रोग्राम है ठीक है, कल चर्चा होगी इस पे, आप टेंशन मत लीजिए, करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे हम। इलेक्ट्रोडायनामिक डिवाइस एलिमिनेटर ठीक है ना, ऐसा यान जिसमें जाल लगे होंगे, और ये क्या करेगा, कचरे वाले स्थान से गुजरेगा और कचरा ले आएगा। तो अमेरिका की संस्था है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी अमेरिका की संस्था है, ऐसा प्रयास करने को कही थी बट की नहीं। रीजन क्या है इसमें कि मान लो इसने भेज दिया और कचरे की जगह हो सकता है कुछ अच्छे सैटेलाइट को भी खींच ले, इट्स मे बी पॉसिबल ठीक। तो दूसरा एक प्रोग्राम कहा गया जिसका नाम दिया गया था रस्टलर, जिसका नाम दिया गया था रस्टलर, रस्टलर। इस प्रोग्राम के तहत क्या किया गया कि एक ऐसा यान बनाया जाए और इस यान में कटीले तार होंगे, और ये जो कटीले तार होंगे इनमें विद्युत चुंबकीय प्रभाव होगा, और ये जो विद्युत चुंबकीय प्रभाव क्या है कि जब ये अंतरिक्ष से गुजरेंगे, कचरे वाले स्थान से गुजरेंगे, तो ये क्या करेंगे, जो उपग्रह के टुकड़े हैं या अंतरिक्ष यान के अवशेष हैं उसको क्या कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से खींच लेंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम यहां पे वो प्रॉब्लम फिर यहां पे आएगी, हो सकता है कि अच्छे सैटेलाइट को फिर ये खींच ले ठीक। तीसरा जो टेक्निक अपनाई गई, अपनाने के लिए कहा गया, उसको हम बोलते हैं क्यूब सेल टेक्नोलॉजी। क्यूब सेल टेक्नोलॉजी,
अब इसके तहत क्या किया गया कि जो सैटेलाइट बनाया जाता है, मान लो ये सैटेलाइट बनाया गया, ठीक है, तो इसके तहत ये कहा गया कि जो हम सैटेलाइट्स का निर्माण करते हैं तो इस सैटेलाइट्स में, ठीक है, कुछ हम ऐसा सिस्टम बना लें कि जब ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमे तो ये अपने चारों तरफ क्या करे, एक विकर्षण प्रभाव उत्पन्न करे। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई सैटेलाइट का कचरा है, यहां पर सैटेलाइट का कोई कचरा है, यहां पर भी है, तो जाहिर सी बात है कि ये सैटेलाइट अब यहां से नहीं जा सकता है। तो क्यूब सेल टेक्नोलॉजी का मतलब कि सैटेलाइट के चारों तरफ एक ऐसी कवरिंग हम कर दे जिससे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो, और जब ये सैटेलाइट यहां पर पहुंचे तो इसके विकर्षण प्रभाव से ये अपना स्थान इधर छोड़ दे, ये अपना स्थान इधर, और ये क्या कर ले, बगैर किसी टक्कर के कचरे के बीच से अपना स्थान बनाते हुए चक्कर लगा सके, ठीक है। बट सबसे बड़ी समस्या ये है कि मान लो कि कचरे के बीच से ये चक्कर तो लगा रहा है, हो सकता है कि ये पीछे किसी अच्छे सैटेलाइट्स को भी रिप्लेस कर दे, ये भी हो सकता है। इसलिए लगभग ये भी थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। चौथी थ्योरी फिर अपनाई गई, ग्रेवियार्ड ऑर्बिट, चौथा तरीका। ग्रेवियार्ड ऑर्बिट, ग्रेवियार्ड ऑर्बिट क्या है कि इसमें क्या है कि जो आपका सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो जब सैटेलाइट मूव कर रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे पता चल गया कि इसकी समय अवधि कितना है, 15 साल है या 7 साल है, तो उसके पहले ही, कुछ समय पहले ही इस सैटेलाइट को क्या करेंगे, थोड़ी सी तेज गति दे देंगे, और जब थोड़ी सी तेज गति दे देंगे तो ये क्या करेगा, अपने ऑर्बिट को छोड़कर किसी अनंत ऑर्बिट में चला जाएगा, और ऐसे ऑर्बिट में चला जाएगा जिसके बारे में हमको भी जानकारी नहीं है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ग्रेवियार्ड ऑर्बिट, ठीक है। बट अभी तक कोई भी प्रयास अपनाया नहीं गया है अंतरिक्ष प्रदूषण को दूर करने के लिए, क्लियर। और अगर इस हम अंतरिक्ष प्रदूषण की बात करें, हाँ प्रीति जी, जैसे कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है तो किसी भी सैटेलाइट की एक समय अवधि है, 7 साल, 10 साल या 15 साल, तो उसकी समय अवधि के पहले उसको क्या करेंगे, अत्यधिक गति प्रदान कर देंगे, जिसके कारण वो क्या करेगा, अपनी ऑर्बिट को छोड़कर किसी दूसरे ऑर्बिट यानी अनंत ऑर्बिट में चला जाएगा। इसीलिए हम उसको नाम दे दिए हैं ग्रेवियार्ड, मतलब कब्रिस्तान, चला गया वो, कहां चला गया पता नहीं, लेकिन कोई भी प्रावधान अभी स्पष्ट रूप से लागू नहीं, ठीक है। तो इसमें मेंस में बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अंतरिक्ष प्रदूषण एक नए प्रकार की चुनौती है, ठीक है। समाधान में यही है, समाधान में यही है, ठीक है। अंतरिक्ष प्रदूषण एक नए प्रकार की चुनौती है, ठीक है। इसे हल करने के लिए किए जा रहे उपायों का उदाहरण के साथ वर्णन करें। सन के पास भेज कैसे देंगे, बहुत दूर पड़ जाएगा आकाश जी। क्यूब से टेक्नोलॉजी यानी कि सैटेलाइट के चारों तरफ हम एक ऐसा सिस्टम अपना देंगे जिसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और वो जब भी कचरे के बीच में ट्रेवल करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण विकर्षण प्रभाव, आकर्षण नहीं, विकर्षण क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जिससे कचरे क्या होंगे, हट जाएंगे और उन्हीं के बीच से सैटेलाइट मूव कर जाएगा, ठीक है। जैसे अभी जो डाटा है 1957 के बाद से, ठीक है, लगभग 23,000 से अधिक सैटेलाइट लॉन्च किए गए, 57 से अब तक लेकर लगभग 23,000 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसमें सक्रिय मात्र 1300 ही सैटेलाइट हैं, 1300 सैटेलाइट ही सक्रिय हैं, बाकी के सब क्या है, उसी तरीके से पड़े हुए हैं। जैसे अभी हमारा जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया EOS,
ठीक है ना, पहले से रीसेट वन जो सैटेलाइट लॉन्च है उसका जगह लेगा, तो भी सैटेलाइट वहां पे क्या हुआ है, पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इतनी थी आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट आप हेडिंग डाल दीजिएगा, कुछ दो चार चीजें और है इसमें, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, कल इसकी चर्चा होगी। ठीक है, हम लोग कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।